ईरा प्लीज रहने दो, ये तुम्हारी डांट से सुधरने वाली नहीं है, ये स्टबर्न इल मैनर्ड लड़की बन चुकी है। इसे अगर सुधारना है तो कोई पनिशमेंट दो, वो भी भारी भरकम पनिशमेंट, लाइक बंद कर दो इसे रूम में, और खाना भी मत दो। जब इसे खाना नहीं मिलेगा और तकलीफ होगी तब इसे समझ में आएगा कि दूसरे की तकलीफ क्या होती है। ए देवी ना, तुम जरा चुप रहो ना, हम बात कर रहे हैं ना। ऐसे बच्चों को इतनी कठोर सजा कब हम नहीं देते? क्यों? जब मेरा पंपकिन गलती करता था तब तो तुम हमेशा कहती थी कि दो चार थप्पड़ बचपन में लगाए होते तो इतना नहीं बिगड़ता। आज क्योंकि मिश्री सामने खड़ी है, अपनी कही भी बात इतनी आसानी से भूल रही हो तुम? क्यों? अरे तुम्हारे पंपकिन की उम्र माँ, हमने 6 साल की बच्ची की उम्र में कोई फर्क है कि नहीं? Like seriously? नहीं मोटी बा, दीविना मैम सही कह रही है, पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए। Thank God, घर में कोई तो है जो सेंसिबली बात कर रहे हैं। और तुम, just shut up and come with me. Mom, just चलो मेरे साथ। Mom, रुक जाइए, रुक जाइए। मैं बात करता हूँ मिश्री से। Fine. मिश्री सॉरी कहो। लेकिन बापू, मिश्री मैंने कहा सॉरी कहो वंश को। लेकिन बापू हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं, तुम काहे बोले? मिश्री मैंने अपनी आंखों से देखा है, प्लीज सॉरी कहो। बापू बस झूठ बोल रहे हैं, हमने ऐसा कुछ नहीं। रहने दो अखिलेश। मिश्री जाकर ब्रेकफास्ट कर लो और फिर अपने कमरे में रहना पूरा दिन, बाहर मत आना, जाकर ब्रेकफास्ट कर लो। नहीं, हम कुछ और नहीं खाएंगे। जब तक आप हमारी बात का विश्वास नहीं करती, हम कुछ और नहीं खाएंगे। क्या विश्वास करूं मैं तुम्हारा मिश्री? मैंने खुद अपनी आंखों से तुम्हें मंच पर हंसते हुए देखा है। बापू आप हमारी बात का विश्वास कीजिए, हम अभी नीचे आए हैं। क्यों बेटे, ईरा इस लड़की के इमोशनल ब्लैकमेल में मत आओ, इसे मैं सीधा करती हूँ। खाना नहीं खाना ना तुम्हें? ब्रेकफास्ट नहीं करना है ना? गुड, वेरी गुड। मैं भी तो यही चाहती हूँ कि तुम्हें खाना नहीं देना चाहिए। मिश्री देखो, मान लो ना अपनी गलती, मैंने सिखाया था ना तुम्हें सॉरी बोलने से कोई छोटा नहीं हो जाता। लेकिन आपने हमें ये भी सिखाया था, अगर अपनी गलती ना हो तो सच बोलने से डरना नहीं चाहिए। Enough is enough. मैंने सिखाया, इसने सिखाया, इसने कुछ नहीं सिखाया, इसे मैं सिखाऊंगी। बापू हमारा विश्वास कीजिए, कुछ नहीं किया है। बापू बापू हमारा विश्वास कीजिए, हमने बंस के कपड़े को पटा के नहीं लगाए। शट अप, चलो ऊपर। हमरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, हमरे फूल सी बच्ची सबसे पहले दूसरे के बारे में सोचती थी, सबकी सेवा करती थी, आज ये ऐसे बर्ताव काहे कर रही है? चलो भूल हो गई सो हो गई, लेकिन हमने गलती मानने के लिए तैयार नहीं हुए। कहा हो गया हमरी मिश्री को? काश मैं तुम्हें समझा पाता इरा कि ये सब उन दवाइयों के हैवी डोज की वजह से है। भूखी रहेगी लेकिन अपनी गलती नहीं मानेगी, ठीक है, रहने दो भूखी। ईरा प्लीज काम डाउन। अच्छा चलो तुम हॉस्पिटल के लिए निकलो, वहां से 2-3 बार फोन आ चुके हैं। उठो, तुम्हारा बैग कमरे में पड़ा है। मिश्री की टेंशन मत करो, मैं उसे बात करता हूँ। ओके अम्मा, वो तुम्हारी दवाई का समय हो गया, जाओ खाते हैं बेटा। चलो साथ चलो। अब भावन वंश को मैं संभाल लूंगा, ठीक तुम जाओ। दे देनो, सर्व्स यू राइट। मेरे हनी बंस को तकलीफ पहुंचाई तुमने। हमारी बात का विश्वास कीजिए टिप्टो बम्मा, हमने बंस के साथ कोई शरारत नहीं की है। ओह शट अप,
श्योर तुमने कोई शरारत नहीं की है। एक घर में तुम ही हो जो सच्चाई की मूर्ति बनी फिरती हो, बाकी हम सारे घर वाले झूठे हैं। हमारी बात का विश्वास करिए, हमने बंद के साथ पूछा। शराब जब खाना नहीं मिलेगा ना और दिमाग चलना बंद हो जाएगा, then you learn some manners. Disgusting. खोलो दरवाजा, खोलो, खोलो, हमने वंश के साथ कोनो शरारत की है, खोलो। बेटा मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारी माँ तुमसे नाराज है, बहुत गुस्सा है, लेकिन शायद तुम ये नहीं जानती कि वो तुमसे प्यार भी बहुत करती है। अगर तुम खाना नहीं खाओगी ना तो उसकी भी हलक के नीचे निवाला नहीं उतरेगा। मैंने ये सोचा था कि एक बार तुम खाना खा लो तो मैं तुम्हारी मापू को बता दूंगा कि तुमने खाना खा लिया है, उसको भी तसल्ली हो जाएगी और फिर वो भी खाना खाएगी। पर क्या कर सकते हैं, अब जब तुमने जिद पकड़ के रखी है कि तुम खाना खाओगी नहीं तो शायद तुम्हारी मापू को भी भूखा ही सोना पड़ेगा, और अगर भूख के मारे उसकी तबीयत नाजुक हो गई तो अंत में मुझे उसे दवाई लेनी पड़ेगी। चलो। नहीं बापू, ऐसा नहीं बोलिए, हम अमृत की वजह से बापू की तबीयत खराब होने नहीं दे सकते। हम खा रहे हैं। और बोलिए वो भी खाना खा ले। ये होगी ना बात, अब तुम्हारी मापू को भी तसल्ली होगी। अच्छा अब कुछ ऐसे आइडियाज के बारे में सोचो जिससे तुम्हारी मापू का गुस्सा है ना कुल्फी की तरफ पिघल जाए। कुछ कुछ सरप्राइज देने के बारे में सोचो, तब तक तुम्हारी मापू को मैं खाना खिला के आता हूँ। ओके ठीक है बापू। सरप्राइज आइडिया, तुम के लिए ड्राइंग बनाओ ना। नहीं बंस, ड्राइंग से कोनो फायदा नहीं होगा। हम मापू को कुछ ऐसी चीज देंगे जिससे उनका मन तुरंत पिघल जाएगा। और वो कैसे? मापू के मन पसंद गाने पर डांस करके दिखाएंगे, उनका गुस्सा यूज हो जाएगा। यस। अरे क्या बात है मिश्री, चलो चलो नीचे चलकर तैयारियां करते, तब भी तो सरप्राइज एकदम धमाकेदार होगा। चलो चलो चलते। हाँ क्या खुशबू है, चलो मुंह खोलो। सच में मुझे भूख नहीं है। अरे ये कैसी डॉक्टर हो तुम, खुद पेशेंट्स को कहती रहती हो कि खाना नहीं खाओगे तो वो विटामिन ए बी सी डी एल ओ बी कैसे मिलेगा, और अब खुद खाना नहीं खा रही हो। प्लीज ये लो, जिद मत करो। श्री पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था ना, मैंने आज तक कभी हाथ नहीं उठाया उस पे। पता नहीं क्या हो गया, मुझे उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। अगली बार से अगर इतना गुस्सा आया ना तो लंबी सांस लेना, इंपल्सिव रिएक्ट नहीं करोगी। ये टेक्निक मैंने तुमसे ही सीखी है। मुझे मिश्री का बहुत स्ट्रेस हो रहा है, पता नहीं इसे हो क्या गया है, ये ऐसे ऐसे क्यों बर्ताव कर रही है, इतना गुस्सा। अपने ही स्कूलमेट को मार दिया उसने इतनी बुरी तरीके से, ऊपर से बंच के साथ इतना डेंजरस मजाक किया, ऊपर से उसके ऊपर वो रो रहा था तो उसके ऊपर हंस रही थी। क्या हो रहा है मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अखिलेश मुझे लगता है क्यों ना हम उसे चाइल्ड साइकेट्रिस्ट के पास। व्हाट रबिश, बैठो, क्या हो गया तुम्हें? हाँ चाइल्ड साइकेट्रिस्ट, इस हद तक सोचने की क्या जरूरत है, इतना लंबा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। ईरा मेरी इनफैक्ट मिश्री से बहुत लंबी बात हुई है, मैं उसके कमरे में गया था, उसने मुझे प्रॉमिस किया है कि आगे जाकर वो ऐसी शरारत बिल्कुल नहीं करेगी,
और सबसे अच्छी बात तो यह है कि वंश के साथ उसका पैचअप भी हो गया। ऐसी हालत में भी वो पूछ रही थी कि मापू कैसी है, वो ठीक है कि नहीं। सोचो तुम्हारी कितनी चिंता है उसे। तभी तो ये टिफिन लेकर मुझे यहाँ पर भेजा ताकि मैं तुम्हें खाना खिला सकूं। ये रहो, तो वन बाइट। प्लीज 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 प्लीज। मिश्री ने खाना खाया? खाया। और इतना ही नहीं, वो अपनी मापू के लिए एक सरप्राइज प्लान भी कर रही है उसे मनाने के लिए। तुम जल्दी से खाना खाओ और हॉस्पिटल का काम जैसे हो जाए ना वैसे घर आ जाओ। मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे लिए क्या प्लान कर रही है वो। Oh my God, मिश्री, for God's sake, stop acting. क्या हो गया इस लड़की को? मिश्री, अभी अभी तुम ही ने सबके सामने पुलिस कॉप्स को ये बताया ना, वीडियो दिखाया ना, जिसमें ईरा ने 2-3 थप्पड़ मारे तुम्हें और बेदर्दी से तुम्हारे कान को ट्विस्ट करके जोर से तुम्हें सोफे पर फेंक दिया, राइट? और तुम ही ने कॉप्स को बताया कि तुम्हारे मापू और बापू तुम पर अत्याचार करते हैं, तुम उनके साथ नहीं रहना चाहती, तो तुम ऊपर चली गई अपने बैग्स लेने। नहीं तो मम्मा, हम काहे पुलिस को बुलाएंगे? हम तो ऊपर अपने कमरे में बंद हो गए थे, पता नहीं कैसे। ये कैसी अजीब बातें कर रही है लड़की, दिमाग तो ठीक है ना इसका? अभी अभी सबके सामने इसने इतना बड़ा रॉकस क्रिएट किया और ये सब कुछ कहा और अब अपनी ही बात से मुकर रही है। What is wrong with this girl, ग्लू बेटे? क्या हो गया हमारी मिश्री को? देखो बेटा, अगर ये मजाक था तो पुलिस वालों के साथ मजाक करना भी एक जुर्म है। और मैं तुम्हें वार्निंग देता हूँ कि आज के बाद पुलिस वाले के साथ किसी भी तरीके का मजाक किया तुमने तो मैं तुम्हें बच्चों के जेल में बंद कर दूंगा। लेकिन हमने तो काछू नहीं किया। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मेरी बच्ची की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। अब प्लीज जाइए यहाँ से। सॉरी। ठीक है, चलो। मापू, मापू, आप दोनों हमारी बात का विश्वास कीजिए। हम तो ऊपर कमरे में बंद हो गए थे। हम काहे पुलिस अंकल को बुलाएंगे? My God, क्या हो गया इस लड़की को? कितनी आसानी से झूठ बोलना सीख गई है। लू बेटे, mark my words, this is a criminal in making, trust me. बेटा, तुम क्या कहना चाह रही हो? तुम हम चार लोग खड़े खड़े झूठ बोल रहे हैं, एक तुम हो मिस्टर हरिश्चंद्र की डॉटर, तुम बिल्कुल सच बोल रही हो, राइट? ग्लू बेटे, आई एम रियली सॉरी, लेकिन जब मैं इसे घसीट कर रूम में बंद करने के लिए जा रही थी, मुझे पता है तुम्हें लगा कि मेरी पनिशमेंट बहुत हार्श है। अब देख लिया, इसे कमरे से निकालने का नतीजा खुद देख लिया। लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। ये का बार बार हम पर गलत इल्जाम लगाया जाता है। ओ प्लीज मापू, आप हमारी बात का भरोसा कीजिए। हम तो केवल आपको सरप्राइज देना चाहते थे। ये तो दिया सरप्राइज, ऐसा सरप्राइज जो मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगी। पटाई क्या है मापू? मापू, आप तो हमारी बात का भरोसा कीजिए। हम ऊपर अपने कमरे में बंद हो गए थे। मिश्री, ये जो कुछ भी हुआ ना वो ठीक नहीं हुआ है। बड़ी मां, हमसे बात नहीं करो, तुमने हम सब का दिल बहुत दुखाया है। अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है बजरंगबली, हमसे कुछ गलती हुई है का? किस बात की सजा दे रहे हैं आप हमें? हमारे मापू और बापू दोनों हमसे हमारी ऐसी गलती के लिए नाराज है जो हमने की ही नहीं है। कैसे समझाएं हम उन दोनों को? बस
हमारी बात मानो, तुमको लगता है कि हम मापू को गिरफ्तार करा सकते हैं? हमने पुलिस को ना ही बुलाया, हम सच बोल रहे हैं। जो तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी मिश्री, तुम इतना झूठ बोलोगे मैंने सोचा नहीं था। और अगर मुझे तुम्हारे इस सरप्राइज प्लान के बारे में पता होता ना, तो मैं तुम्हारी बिल्कुल हेल्प नहीं करता। बंस, बंस, हम सच बोल रहे, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी मिश्री, और मुझे तुम्हारे साथ रूम में नहीं शेयर करना। मैं जा रहा हूँ पू के साथ सोने। बाय। बंस, बंस, हमारी बात का विश्वास करो, अपना कमरा काहे छोड़ के जा रहे हो? हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। ए बिटिया सुन, सुनो, ए मिश्री सुनो, तो हमारी बात तो सुनो मिश्री, कहाँ जा रहे हो? उफन कर चली मैं सागर से मिलने ले। तेरे छिड़गरिया माई रे माई, हो माई रे माई, मैं बादल की बिटिया माई रे माई, मैं सावन की नदिया। कमान 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 मिश्री, चलो ड्राइवर वेट कर रहा है, लेट्स गो लेट्स गो, कमान get inside, get inside. Driver address याद है तुम्हें? What is that? Akshdeep Hostel, Pimpri, Pune. Warden से कह देना कि Divina Pandey ने मिश्री को भेजा है. All right? Tip-top, अम्मा. आप हमारे साथ नहीं आएंगी? I really, really wanted to come. लेकिन वो क्या है ना मिश्री, मुझे तुमसे बहुत डर लग रहा है. अगर रास्ते में चलते चलते तुमने मुझे हार्म कर दिया, कुछ कर दिया, तो मेरे मेरे हनी बंस का ख्याल कौन रखेगा, यू नो? हाँ, सही कह रही हैं आप। अब हमारी जैसी हानिकारक लड़की का क्या भरोसा? I'm so glad you get it. All right then, bye. Try not to kill someone. एक मिनट। या? हमने मापू और बापू के लिए चिट्ठी लिखी है, क्या आप उनको दे देंगी? अब sure, लाओ, दो। प्लीज देना नहीं भूलना। यू गॉट इट, बाय। चलो 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 चलो, गो। अब तुम बाहर आ सकती हो। देखा, सिर्फ तुम अकेले सुपर इंटेलिजेंट नहीं हो, क्योंकि मैंने वार्डन से बात तक कर ली है कि मिश्री को घर पर फोन तक करना अलाउड नहीं होगा। अब बस इट्स इजी पीजी, मुझे सिर्फ तुम्हें किसी तरह मिश्री बनाकर घर के अंदर ले जाना है, दैट्स ऑल। लेकिन एक प्रॉब्लम है, मैं क्या कहकर तुम्हें अंदर लेकर जाऊं कि मिश्री का जाने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया सडनली? लाइक दैट इज वन। मिश्री ने इतना इमोशनल कर दिया, कुछ तो काम आया ये लेटर। अब यही लेटर तुम्हारे घर में घुसने का टिकट बनेगा। Let's go। अब कहते जाने तुम पे काहे विश्वास था कि तुम हमारी बिगड़ी बना सकते हो, लेकिन नहीं, तुम तो ठहरे हमरे दुश्मन। छत्तीस का आंकड़ा है तुम्हारा और हमरा, हमरा भला कब हो नहीं चाहोगे?
बस ऐसे ही अपना मजाक बनाकर हमें खुशियों को मार कर रास्ता दिखाते हो, हमें काहे करते हो ऐसा? प्यार के अखिलेश, प्यार के, मेरे सपनों की, मेरी प्यार की, मेरी कुर्बानियों की हार है। जिस बच्ची को मैंने अपने अंदर जितना भी प्यार था सब ने छोड़ के दे दिया, उसके दिल में हमारे लिए कोई प्यार नहीं है, जिस रिश्ते को मैं दुनिया का सबसे सबसे मजबूत रिश्ता मानती थी, वो इतना खोखला कैसे निकला? शांत हो जाओ मेरा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मिश्री हम सबको छोड़ के चली गई है, लेकिन भगवान पर भरोसा रखो, वो लौट कर आएगी। जिस तरह से हम अपनी बच्ची के बगैर नहीं जी सकते ना, ऐसे वो भी नहीं रह सकती हमारे बिना, वो वापस जरूर आएगी। ना थैंक यू करम कुंवर जी, गो फॉर इट। अगर मापू और बापू को बचाना चाहती हो तो चली जाओ इस घर से, यहाँ तुम्हारा कोई नहीं है। कहोगे तुम कमीची, बापू तो कहते थे कि तुम उनकी जिंदगी में फरिश्ता बनकर आई हो, फिर तुम इतनी बुरी कैसे हो सकती हो? सब तुमसे कितना प्रेम करते हैं, बापू ने तो अपनी जान पर खेल कर तुम्हारी जान बचाई थी, फिर तुम बापू और बापू कहानी कैसे पहुंचा सकती हो? ये तुम्हारा असली रूप नहीं है, और तुम ही तो कहती थी रूप बने ही इंसान की सहायता के लिए, फिर तुम इन सब पर कैसे उतर आई? Oh my God, ये मिर्ची की आंखों का कलर कैसे चेंज हो गया? इसका मतलब मिश्री की बातों से मिर्ची का सॉफ्टवेयर अपने आप रीप्रोग्राम हो रहे हैं। No, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं मिर्ची को अच्छाई की राह पर दोबारा नहीं चलने दूंगी। I have to do something. देखो मिर्ची, तुम फिर से अच्छी बन सकती हो, हम जानते हैं तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं तो अच्छाई छुपी है, बापू और मापू के खातिर प्लीज फिर से छोटी बन जाओ, प्लीज मिर्ची, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं। बहुत अच्छी मिर्ची, अब तुम फिर से अच्छी बन गई हो, अब मापू और बापू को नाराज होने का कोई मौका नहीं मिलेगा। फिर सब तुमसे हमेशा प्यार करेंगे। वायरस अपलोडेड। अब मैं भी देखती हूँ मिश्री कि तुम अपने प्यारे मापू और बापू को मिर्ची से कैसे बचाती हो। धन्यवाद मिर्ची, हमारी बात मानने के लिए धन्यवाद, तुम बहुत अच्छी हो। फैसला नहीं बदलेंगे, मापू और बापू सिर्फ और सिर्फ हमारे हैं, और अगर वो हमारे नहीं हो पाए तो हम इन दोनों को खत्म कर देंगे। नहीं मिर्ची, That's my goal.
जाने को तैयार है, लेकिन प्लीज मापू और बापू को हानि नहीं पहुंचाना। तो रुकी क्यों हो? निकलो इस घर से, निकलो और दोबारा लौट कर कभी मत आना। हम चले जाएंगे, हम मापू बापू इन सब से बहुत दूर चले जाएंगे और दोबारा कभी लौट कर नहीं आएंगे। बस हम जाने से पहले एक बार मापू और बापू का आशीर्वाद ले सकते हैं। माफ करना मापू और बापू,